दर्ज करा चुके हैं प्रमोद कुमार। अब बोर्ड के ऊपर फास्ट तरह के बैलेंस बनाकर एक साथ फास्ट रिकॉर्ड बना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गोल्ड जिम में प्रैक्टिस कर रहे प्रमोद कुमार कटारा एक बार लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और फिर एक नए रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। स्विस बॉल पर पांच पोजीशन में बैलेंस बनाते हुए लिम्का बुक के लिए एक साथ पांच रिकॉर्ड बना वे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इससे मैंने पिछली साल लिम्का बुक के लिए रिकॉर्ड बनाया जो कि 120 सेंटीमीटर की स्विस बॉल के ऊपर 7 घंटे 40 मिनट बैलेंसिंग का रिकॉर्ड बनाया। पिछले वर्ष 25 जून को स्विस बॉल पर 7 घंटे 40 मिनट तक बैलेंस बनाते हुए खड़े होकर वे लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं लिम्का बुक के लिए 5 रिकॉर्ड एक साथ बनाना चाह रहा हूँ और उनको कल परफॉर्म करूंगा। उसका पहला रिकॉर्ड होगा 2 स्विस बॉल के ऊपर सीधे लेकर रिकॉर्ड बनाना। दूसरा रिकॉर्ड स्विस 2 स्विस बॉल के ऊपर उल्टा लेकर रिकॉर्ड बनाना। तीसरा स्विस बॉल के ऊपर बैठ कर रिकॉर्ड बनाना। चौथा रिकॉर्ड है स्विस बॉल के ऊपर केवल घुटने से खड़े होना। और पांचवा रिकॉर्ड होगा मेरा मेडिसिन बॉल के ऊपर खड़े होना। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रमोद कटारा ऑर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं और काफी समय से इसे जूझने के बाद कसरत के माध्यम से खुद को फिट रखते हुए यह रिकॉर्ड बना रहे हैं। विचार यह आया कि हम बहुत सारी दवा खाएं, उससे बेहतर है कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचा जाए। उसके लिए हमने सीधे जिम का रुख किया और वहां पर स्विस बॉल मिली तो उसके ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक्सरसाइज से हमें आराम मिलने लगा और हम अपने आप को ज्यादा फिट महसूस करने लगे। और जब ये फिटनेस बढ़ती गई तो हमने सोचा कि फिटनेस से आगे भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया के पर्दे पर अलग दिखाई दे। प्रेस वार्ता में मौजूद कृपा किशोर ने बताया कि 25 जून को यह रिकॉर्ड गोल्ड जिम में बनाए जाने का प्रयास प्रमोद कटारा करेंगे। प्रयास होगा कि जल्द ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएं और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराएं। सिकंदरा थाना